छत्तीसगढ़ में जनवरी फरवरी के बीच विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसे देखते हुए राज्य में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियासी पारे को और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठा बता दिया है। आज तक के कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम झूठ बोलते हैं, धान हम खरीदते हैं लेकिन पीएम कहते हैं कि मैं खरीदता हूँ। अब कैसे कह दूं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और जनता सब कुछ जानती है, धान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। पीएम को इस तरह से झूठ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे पोस्टर भी लगाने चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि सरकार बताए कि केंद्र के बजट में कहां लिखा है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था करते हैं। FCI पंजाब में धान खरीदने की व्यवस्था करती है। अगर केंद्र सरकार कह दे कि अब FCI छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदने की व्यवस्था करेगी तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए।